इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। डू यू अग्री? अग्री ना भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बुक वर्ड से सभी को आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक रिव्यू की, और जिस बुक पर हम रिव्यू देने वाले हैं उस बुक का नाम है द अदर टाइम, जिसे लिखा है मोहम्मद मनकर ने, और जो बुक रिव्यू है वो बुक रिव्यू है ही। आगे बढ़ते तो इस बुक रिव्यू में जो कंटेंट्स हैं वो है माय इंट्रोडक्शन, मेरे बारे में थोड़ा सा, अबाउट द ऑथर। अब ऑथर के बारे में हम क्यों जानते हैं? ऑथर के बारे में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि जिसकी बुक से हम ज्ञान ले रहे हैं हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम अबाउट द ऑथर के बारे में जानते हैं। उसके बाद व्हाट्स इन द बुक। अब बुक का रिव्यू तो बुक के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय रिव्यू, मेरे हिसाब से बुक में क्या था, कैसी थी वो बुक, वो सब कुछ। नाउ ग्रेट थिंग स्टार्ट्स विद प्रेयर, सो लेट्स डू द प्रेयर फर्स्ट। ऑथर के बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो जो ऑथर है उनका नाम मोहम्मद मनखड़ है, एज वी ऑल नो, और इन ही हैज रिटन मोर देन 50 बुक्स अलोंग विद न्यूमरस एसेज एंड आर्टिकल्स। नाउ इस चीज को रिलेट करने के लिए यहाँ पे एक और चीज है कि वो गुजरात के बहुत वेल नोन गुजराती राइटर रह चुके हैं। इस चीज को सपोर्ट देने के लिए जो है ये बात बहुत अच्छी बैठती है कि उन्होंने 50 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने न्यूमरस यानी कि अनगिनती के उन्होंने एसेज आर्टिकल्स लिखे हैं। ये इनकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है कि मतलब ये गुजरात के वेल नोन राइटर क्यों हैं। और अगर अभी भी आपको इनकी वेल नोन जो ये क्यों है वो नहीं पता तो बता दूँ कि ये फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं गुजरात साहित्य अकेडमी के, और जिन्हें ये भी नहीं पता कि अकेडमी क्या है तो उनके लिए कि ये जो अकेडमी है उसे द स्टेट अकेडमी ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ही हिज स्टोरीज एंड आर्टिकल्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, एंड द बुक विच वी आर रिव्यूइंग इज टू ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। नाउ ये जो इन्होंने इतनी सारी स्टोरीज और आर्टिकल्स लिखे हैं इन्होंने कई भाषाओं में लिखे हैं, इन सभी को अलग अलग भाषाओं में और ट्रांसलेट किया गया है, लाइक गुजराती टू हिंदी भी ट्रांसलेट किया गया है, गुजराती टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट किया गया है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हमारी ये जो बुक है द अदर टाइम, इसको भी जो है हमें गुजराती टू इंग्लिश ही ट्रांसलेट किया गया है। एक और बात जो इनके बारे में बहुत खास है वो है कि ये विनर रह चुके कई सारे अवार्ड, जो 1996 टू 1997 के बीच में गवर्नमेंट ने दिया था इन्हें, वो भी गुजरात की गवर्नमेंट ने इन्हें दिया था। गुजरात की गवर्नमेंट ने दिया तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी पता कर सकते हैं हम। और ये जो अवार्ड है इसके बारे में अगर पता किया जाए तो ये अवार्ड जो है वो हाईएस्ट ऑनर फॉर लिटरेचर माना जाता है, कहा भी जाता है माना भी जाता है। ओके नाउ जस्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, मतलब जिसके लिए बुक रिव्यू रखा गया है, अब उस बुक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो टॉपिक इन्होंने हमें बोला है वो है डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ यू ऑल थिंक कि मतलब क्या है ये, बच्चों के जैसा, ये तो हम फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अब वो तो हम सभी को पता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस क्यों है उसका जवाब हमें इस बुक में दिया
पढ़ाया गया है। हमें हमारी बुक में पढ़ाया गया है कि वो जो है जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं न्यूट्रिशन इनटू एनर्जी, वो किसी भी प्रॉब्लम को लेके रिएक्ट कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमें इन सभी का रीजन नहीं बताया गया है कि कोई भी लिविंग थिंग ये सब कुछ क्यों करता है। तो ये जो है इस चीज का रीजन हमें व्हाई का जो आंसर है वो हमें इस बुक में दिया है, जो कि है कि कोई भी इंसान जो ये चारों फंक्शंस है वो सब इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने एक फियर से बचना चाहता है। अब फियर, फियर अब किस चीज का फियर? फियर ऑफ डेथ, मरने का फियर। या दैट्स ट्रू, अब हमारी जो स्पीसीज है वो खत्म ना हो जाए इस चीज के डर से इंसान रिप्रोड्यूस करता है, इंसान ग्रो करता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर वो छोटा ही रहा तो वे बड़े बड़े जो जानवर है उसे खा जाएंगे, राइट? पहले के टाइम पे था ऐसा, जिसकी वजह से आज भी हम ग्रो कर रहे हैं। हमारी जो आज का प्रेजेंट है वो सभी जानते हैं कि वो थोड़े पास से रिलेटेड होता ही है। वो न्यूट्रिशन को एनर्जी में भी क्यों बदलता है? एनर्जी मिलेगी तो इंसान चल पाएगा, चल पाएगा तो मतलब वो सारे काम कर पाएगा, काम कर पाएगा तो ही तो जिंदा रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर चलने फिरने के लिए, बैठे रहने के लिए नहीं है। एंड रिएक्ट टूवर्ड्स प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम के टूवर्ड्स रिएक्ट नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। कैसे? सादा सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने लायन खड़ा है तो आप उस लायन को देखोगे तो क्या आप वहाँ से भागोगे? नहीं, आप वही स्ट्रिक्ट मतलब ऐसे खड़े रह जाओगे? नहीं ना, आप भागोगे वहाँ से। तो आपने प्रॉब्लम के टूवर्ड्स रिएक्ट किया, प्रॉब्लम के टूवर्ड्स आपने रिएक्ट क्यों किया? ऑब्वियस सी बात है, आपके फियर की वजह से। फियर किसका था? डेथ का था। यही चीज उन्होंने अपने फर्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, दैट इज व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म डू दीज मच ऑफ ऑल थिंग्स। एंड नाउ अभी आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है। नाउ इन्होंने जो अगली बात कही है वो है मेमोरी के बारे में, मेमोरी याददाश्त, राइट? लेकिन इन्होंने याददाश्त के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग कहा है। क्या कहा है? हम सब क्या सोचते हैं याददाश्त के बारे में? याददाश्त वो है जिसे हमारे सामने चिड़िया चहचहा रही है, हम ये बुक रिव्यू अटेंड कर रहे हैं तो ये हमारी मेमोरी में फिट हो रहा है, वो याद हो गया बस, है ना? लेकिन जो मोहम्मद मनखड़ है उनके हिसाब से मेमोरी ये नहीं है। उनके हिसाब से मेमोरी हम कोई भी फियर से जब डील करते हैं तो उस फियर से हमने कैसे डील किया, उस चीज को जो हमारे ब्रेन में स्टोर रखते हैं हम, वही मेमोरी होती है। अब ये जो है ना बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में बोल दिया मैंने, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल सो ज्यादा क्लियर होगा। तो वही पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या था, हमारे सामने एक लायन खड़ा था, राइट? लायन था या शेर था वो आप डिसाइड कर लेना, बट था कोई लायन, अज्यूम करते लायन था हमारे सामने। तो जो लायन हमारे सामने खड़ा है तो हम क्या किए, हम वहाँ से भाग गए। अब हमारे दिमाग में ये चीज फिट हो चुकी है कि अगर हमारे सामने लायन आया तो हम क्या करेंगे, हम वहां से भाग जाएंगे। यही चीज है कि जो के दिमाग में फिट हो गया उसी को उन्होंने मेमोरी कहा है, राइट? उन्होंने इसी चीज को मेमोरी कहा है। अब इसको बुक की भाषा में बोला जाए तो इट इज एवरीथिंग, एवरी लिविंग थिंग कीप द रिकॉर्डिंग ऑफ अ डिफरेंस एंड प्रिजर्व्स द फाइल ऑफ दैट रिकॉर्ड इन द प्रॉपर प्लेस, दिस इज मेमोरी। अब होता क्या है कि मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे ये बताइए पिछले साल 25 दिसंबर को क्या था? ऑब्वियस ही बात है, सब बोलेंगे क्रिसमस था। या उससे पहले हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी? ये बताइए कि आपको उस दिन कौन सी टीचर आई थी उस क्लास में, बताइए। आप ये भी बता सकते हो कौन सी टीचर ने क्या पढ़ाया था, याद है किसी को भी? नहीं याद, सदा है ना, सभी बोलेंगे नहीं यार किसी को नहीं याद, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, आपको टू का टेबल बताइए, कितनी सिंपल है, मतलब दो का टेबल है, कितना इजी पूछ लिया आपने, नहीं? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, क्या स्पीड में बोल गए सब, नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट मैथ्स में हमने इसको बार बार रिपीटेडली अपने दिमाग को ये टेबल मतलब बार बार हमने इसे पढ़ा है, लिखा है, इसलिए हमारे दिमाग में ये लॉक हो चुका है, ये बार बार रिपीट हो गया तो अब ये लॉक हो गया। तो होता क्या है कि जो हमारा 24 दिसंबर को हमने जो किया वो हमारे दिमाग में बार बार रिपीट नहीं हुआ, इसलिए वो हमारे दिमाग में लॉक नहीं हुआ और हमें ज़्यादा टाइम भी याद नहीं रहा। जबकि जो टू का टेबल था, टू का टेबल वो आपने बार 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 रिपीटेडली आपके हेटेड सब्जेक्ट में आई नो किया आपने, लेकिन उसको बार बार याद किया जिसकी वजह से वो आपके दिमाग में फिक्स हो गया। ये दो चीजें थी जो उन्होंने मेमोरी के बारे में भी कही थी, राइट?
तो इसको भी एक बार रीड करेंगे. द मोर अ फाइल इज रिपीटेड द मोर रिलायबल इट बिकम्स. ओके नाउ नेक्स्ट थिंग जो इन्होंने बोलिया वो है लाइफ एनर्जी एंड टाइम. इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है. वो रिलेशन पहले बाद में, लेकिन पहले इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है ये दोनों टर्म्स वो जान लेते हैं. तो जो लाइफ एनर्जी है, व्हाट इज लाइफ एनर्जी? तो सादा सिंपल सी बात है, लाइफ एनर्जी को उन्होंने पता है क्या बोला है? लाइफ एनर्जी अगर मैं बताऊं कि उन्होंने क्या बोला है, तो वो कहते हैं लाइफ एनर्जी इज इक्वल टू लाइफ. वो लाइफ के बराबर है. कैसे? वो कहते हैं कि किसी भी इंसान के पास, इंसान के किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को वो जैसे जैसे यूज करता मिल रहा है. वो यही कहते हैं कि जैसे ही लाइफ एनर्जी खत्म हो जाएगी वो ऑर्गेनिज्म ही मर जाएगा. दैट्स व्हाट ही इंटेंड इज. इसलिए उन्होंने लाइफ को लाइफ एनर्जी के बराबर बोला है. ओके अब नेक्स्ट है, उन्होंने टाइम को लाइफ एनर्जी के बराबर बोला है. मतलब टाइम को लाइफ एनर्जी के लिटरली बराबर नहीं बोला, उन्होंने कहा है कि लाइफ एनर्जी, हम क्या बोलते हैं टाइम को, समय का असर हो रहा है मुझ पर, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ. नहीं, आपने कईयों से सुना होगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ. बूढ़ा कैसे हो रहा हूँ? क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है. उनको इस पृथ्वी पे आए बहुत टाइम हो गया. नहीं, उनकी लाइफ एनर्जी कम हो गई. को बोला है लाइफ एनर्जी के बराबर. तो हम यही बोलते हैं ना कि समय का असर हो रहा है मुझ पर, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, है ना, कईयों से सुना होगा. तो यही होता है लाइफ एनर्जी के बारे में. इसको रीड करें उनकी भाषा में, इन दोनों को रीड करेंगे. पहले लाइफ एनर्जी को रीड करते हैं. During the lifetime, one has a limited life energy and uses the life energy in the defense activities. अरे बाप रे, defense activities कौन सी? अरे कुछ नहीं है defense activities. Defense activities वही, जैसे आपके सामने शेर आया था, आपने उससे लड़ने के लिए आप वहाँ से भाग गए. लड़े नहीं, आप वहाँ से भाग गए. तो आप जो वहाँ से भागे वो आपने अपने आप को डिफेंस किया, आपने आपको बचाया. उसकी एक्टिविटी को उन्होंने डिफेंस एक्टिविटी बोला है, समझे? अब नेक्स्ट है कि उन्होंने टाइम को क्या बोला. टाइम इज अवर लाइफ एनर्जी विच वी फील बीइंग कंज्यूम्ड एंड वी एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इट्स कंजप्शन एज द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन अस. यही है, ठीक है. इसके बाद जो उन्होंने टॉपिक हमको बोला है वो है टाइम लूप. ओ माय गॉड, टाइम लूप, ये क्या है? ये कौन सा टॉपिक है? कुछ अलग टॉपिक नहीं है, ये हमने कई बार अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया. पता है टाइम लूप इन द सेंस, कोई भी एक्शन जब बार 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 रिपीट होता है ना, रिपीटिंग एक्शन, वो एक्शन उसको ही हम टाइम लूप बोलते हैं. लाइक कोई एक्शन है जो बार बार होता जा रहा है. मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, बार बार आप वही काम करते जा रहे हो. मतलब वो काम खत्म हो गया, फिर से आपने उसे शुरुआत से करना शुरू कर दिया. ये होता है टाइम लूप. अब एक क्वेश्चन है जो बुक में पूछा गया है, लेट मी जस्ट आस्क यू टू दैट क्वेश्चन. हम सुबह उठते क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं. क्लासेस अटेंड करने के बाद हम क्या करते हैं? क्लासेस अटेंड करने के बाद हम थोड़ा बहुत टीवी पे भी देखते हैं. फिर अगर होमवर्क मिला है तो गलती से कर लिया तो कर लिया. उसके बाद हम खाना वाना खाते हैं. खाना खाने के बाद फिर खेलते हैं. फिर 7 बज जाते हैं ऐसे करते करते. फिर टीवी चालू करते हैं, फिर देखते हैं, फिर सो जाते हैं, राइट? यही हमारा रोज का होता है. अभी ऑनलाइन में तो यही चल रहा है सबका. अब मेरा भी यही है. तो अब होता क्या है कि यही चीज हम अगले दिन भी करते हैं. मतलब टाइम लूप का मतलब क्या? कोई एक्शन बार बार होना. और हम हमारी जिंदगी में भी तो वही कर रहे हैं. मतलब एक ही एक्शन को बार 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 किए ही जा रहे हैं. बाप रे, ये क्या बात होती है, है ना? टाइम लूप हम अपनी जिंदगी में भी फील करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया. हाँ, अगर आपको इस टाइम लूप को और डीप में समझना है तो आप एग्जाम्पल बोलो तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक फिल्म है, MCU हॉलीवुड मूवी है, यू कैन वॉच इट आउट. वो उसमें आपको टाइम लूप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है. और एक और है एग्जाम्पल जो अभी भी जस्ट क्लिक हुआ, वो है टाइम लूप नाम से ही है वो फिल्म भी. उसको आप देखोगे इन दोनों में से किसी में आपको टाइम लूप समझ आ जाएगा, ठीक है ना? इन्होंने एक और सवाल पूछा. पता है मैं भी सोचती हूँ इन्होंने कितने सवाल पूछे, पर सवालों के जवाब भी इन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं, इसलिए मैं आपको भी बताना चाहूंगी. आर वी रोबोट्स? क्या हम रोबोट्स हैं? मुझे एक बात बताओ, रोबोट्स क्या करते हैं? कुछ नहीं करते रोबोट्स. जो उनको डेटा हम देते हैं उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, है ना? सब अग्री करते हैं मेरी बात से. अब अपने बारे में सोचो. अब नहीं, जान दो अपने बारे में नहीं, पहले गूगल के बारे में सोचो. जो हम काम करते हैं ना उस पर, गूगल बाबा बोलते हैं सभी, उसके बारे में सोचते हैं. मुझे बताओ कि
आपने मतलब कोई ऐसा रैंडम वर्ड जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वर्ड कभी आप टाइप किए हो, सभी करते हैं कभी गलती में, कभी कुछ साल तो कर देते हैं, तो आपने कभी टाइप किया हो तो पाएंगे कि नीचे वो लिखा रिजल्ट तो वो दिखाता है, लेकिन नीचे लिखा होता है शोइंग रिजल्ट फॉर, किसके लिए वो रिजल्ट दिखा रहा है, तो वो उस आपके ऐसे वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं उसको एक मीनिंग वाले वर्ड में बदल देगा, फिर आपको रिजल्ट दिखाई, यानी कि उसने आपके क्वेश्चन जो आपने डाला उसका रिजल्ट नहीं है, वो किसी और चीज का रिजल्ट है, वो रोबोट की बात है। अब आप अपनी एग्जाम की सिचुएशन याद करो, मतलब आपने ऑफलाइन पेपर जब हम देते थे तो याद करो कि हम क्या करते थे, कोई आंसर हमको नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास का सब कुछ लिख देते, आधा अधूरा मार्क्स तो मिल ही जाएगा नहीं। लेकिन होता क्या है, यही चीज तो रोबोट भी कर रहा है ना, इस नजरिए से तो हम भी रोबोट है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो था हमने वही डाला, अब हमारे दिमाग में उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ नहीं था, था भी तो हमें ढूंढने नहीं आया, तो हमने वही डाला जो हमारे, अपने उस क्वेश्चन को किसी और क्वेश्चन के आंसर से रिप्लेस कर दिया है ना, दैट्स व्हाट आरवी रोबोट्स में उन्होंने बताया, यही है जो उन्होंने आरवी रोबोट्स में बताया है। नाउ मोस्ट ऑफ आवर एक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द फाइल्स ऑफ पास्ट मेमोरी, हमारे दिमाग में पहले जो प्रिजर्व हुआ उसी के हिसाब से आज हमने एक्शन लिए, राइट, वही है रोबोट करता, इसमें से तो हम भी रोबोट है। यार ऐसा मत बोला, हम रोबोट नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत है, हम भी वही करते हैं। अब एग्जाम्पल्स दूँ तो है कंप्यूटर, गूगल है ना, एक हद से तो हम भी है ना। अब जो बुक है ना, इसमें कुछ बातें हैं जिनको इतना टाइम नहीं दिया गया है, बट बहुत अच्छी है वो, एक तो साइंस और गॉड इन दोनों के बीच का उन्होंने डिफरेंस बताया और बहुत अच्छे से बताया, तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम दूसरी चीज जान लेते हैं, हम क्या सोचते हैं दिमाग क्या है, हम सोचते हैं कि दिमाग है एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस। अब इतनी इंग्लिश सबको आती है तो वर्ड टू वर्ड तो मैं ट्रांसलेट नहीं ही करूंगी, ओके, तो माइंड क्या है, एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस, अ टोटलिटी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक्टिविटीज, द एलिमेंट दैट रीजंस, द सब्सटेंस दैट थिंक्स, द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू फील, प्रिजर्व, थिंक, जज एक्सेट्रा, राइट, हम ये सोचते हैं कि माइंड हमारा ये है, ठीक है। नाउ ये जो साइंस और गॉड के बीच का डिफरेंस है ना, वो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करते हैं। सो साइंस एंड गॉड, वाओ, दोनों टर्म बहुत अच्छी हैं, कुछ लोग साइंस में मानते हैं उन्हें हम लोग नास्तिक बोलते हैं, और कुछ लोग जो गॉड में मानते हैं उन्हें हम आस्तिक बोलते हैं, राइट राइट, हम उन्हें क्या बोलते हैं, नास्तिक आस्तिक, मेरे को तो समझ नहीं आते ये वर्ड्स, बट बोलते हैं लोग तो बोलते हैं। अब जो साइंस या गॉड है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो उन्होंने तो बुकिश, पूरी बुकिश भाषा में बोला है, मैं उसे थोड़ा सा तोड़ मोड़ के एकदम ऐसी भाषा जो आप सभी को समझ में आए उसमें बता रही हूँ, अगर आपको बिल्कुल वही वर्ड टू वर्ड जाना है तो यू कैन, आप बुक रीड कर सकते हो, नो इश्यू। नाउ साइंस के बारे में मेरे दिमाग में जो सबसे बेस्ट लाइन आती है ना, वो है एक एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है वो लाइन, साइंस इज व्हाट मेक्स यू आस्क अ क्वेश्चन व्हाई, साइंस वो है जो आपको क्यों सवाल पूछने पे मजबूर कर दे, ठीक है, साइंस तो ये है, ठीक है, आपको किसी भी चीज के पीछे सवाल का जवाब जाना हो, अब हम कोई भी चीज है उसके पीछे अगर आपको कुछ क्यों आप जोड़ देते हो, लाइक हम चल क्यों रहे हैं, हम बैठे क्यों हैं, तो हम इसके पीछे का रीजन ढूंढेंगे, उसी को हम साइंस ढूंढना कहते हैं, ठीक है। नाउ ये जो है, ये अब बात करते हैं हम किसकी, हाँ अब हम बात करते हैं गॉड की, जो सितंबर से नवंबर के बीच में और फरवरी से मार्च के बीच में भगवान को बच्चे ही सबसे ज्यादा याद करते हैं इस टाइम पे, ठीक है, ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे बच्चे भगवान को सबसे ज्यादा याद करते हैं, उनके लिए ये लाइन है भगवान के बारे में, वो है ये लाइन भगवान के बारे में इनडायरेक्टली है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट, कोरिलेट हम कर लेंगे, ये एक कबीर दास के द्वारा दिया गई साखी है, जो कि है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। नाउ अब इसका मतलब क्या होता है, ये कबीर दास ने कही है,
इसका मतलब ये होता है कि जो मृग, मृग इन द सेंस, मृग सब जानते हैं, ठीक है, मुझे समझ जाने की जरूरत नहीं, मृग जो होता है वो एक तरह का जानवर होता है, उसकी जो नाभि होती है उसके अंदर जो होता है कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी जो होती है वो स्मेल करती है, अच्छी स्मेल आती है उससे। तो जो मृग होता है ना वो पूरे जंगल में उसकी स्मेल सूंघता है, पहले एक दिन उसने सूंघी, अरे बापरे ये कौन सी स्मेल है, मुझे ढूंढनी है ये कहाँ है, वो पूरे जंगल में घूमा, पूरे जंगल में उसने ऐसे इधर उधर ढूंढा, पर उसे ये नहीं पता था कि वो तो उसी के अंदर से आ रही है, उसी की नाभि से आ रही है, वो उसे पता ही नहीं था। वैसे ही हम भगवान को पूरी दुनिया में ढूंढते हैं लेकिन भगवान तो हमारे अंदर ही होता है। ओ हो हो हो, सही बात है, नहीं है कि नहीं, यू रिलेट विद मी राइट? ओके, तो भगवान के बारे में भी भगवान एक्चुअली इन द सेंस बोलो तो हमारे अंदर की एक इमेजिनेशन है, जो हमें कुछ भी करने का पीछे से कॉन्फिडेंस देती है, मतलब ऐसे लगता है हमें कि हाँ वो पीछे से कह रहा है जा तू, मैं हूँ तेरे पीछे, ऐसी वाली फीलिंग आती है जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं। नहीं, दैट वॉज ऑल, ये साइंस और गॉड के बारे में था और यही वो टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट वाले बुक से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट फोर, माई रिव्यू, मेरा फेवरेट पार्ट, मुझे क्या लगा इसमें अच्छा। अब मैं इस बुक को रेकमेंड करना चाहूँगी उन लोगों को, दिस बुक इज गुड फॉर साइकोलॉजी, जिन लोगों को साइकोलॉजी में बेहद इंटरेस्ट है ना वो इसे बेहद पढ़ सकते हैं। लिटरली ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी उन लोगों को कि क्या बताऊँ, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भर भर के हैं, लिख कर ले लो भर भर कर है। देन जिनको साइंस में इंटरेस्ट है ना उनके लिए भी इसमें बहुत है, मतलब साइकोलॉजी और साइंस के बारे में थोड़ा तो मैंने पीछे भी बताया है, यू कैन लिसन इट अगेन। तो उन्होंने साइंस ऑफ साइकोलॉजी को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना कि आप चाहो तो जो जिन लोगों को साइंस और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है वो ज़रूरी इसको पढ़ना, बहुत अच्छी है ना। तो नेक्स्ट इज बॉडी के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया, बॉडी इन द सेंस हमारी बॉडी नहीं, वो बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, वो हमें ब्रेन के बारे में बता रहे हैं, व्हाट हमारा ब्रेन जो है उसके बारे में उन्होंने बताया ना हमें आरवी रोबोट्स में कि हमारा ब्रेन कैसे करता है काम, वो है ना। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो मैंने लिखी है, ओके, अकॉर्डिंग टू मी दिस बुक इज फुल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड मेनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉडी, बॉडी को बॉडी से रिलेट मत करना, एक बार फिर कह रही हूँ, वो है ब्रेन, ओके, ब्रेन। नाउ इन दिस बुक यू विल गेट टू नो अबाउट, इस किताब में आपको क्या क्या जानने मिलेगा, टाइम के बारे में जानने मिलेगा, लाइफ के बारे में जानने मिलेगा, अपडेट अबाउट रोबोट्स जानने मिलेगा, आपको टाइम लूप जानने मिलेगा, कई सारी चीज़ें जानने मिलेंगी। यहाँ तीन ही लिखे हैं लेकिन बहुत कुछ है इस बुक में जानने लायक, ठीक है। अब सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जिन जिन ने सुना होगा उनको बहुत मज़ा आया होगा कि नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से है, लाइक अ क्वेश्चन फ्रॉम मी, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका जवाब 80-90% लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है, पूछ के ये बताओ इस बुक के ऑथर का नाम क्या है, बताओ, सोचो सोचो, नहीं आ रहा, अरे बाप रे, थोड़ा ध्यान से सुना करो यार, ओहो कई हुआ भी क्या, मोहम्मद मनखड़, ठीक है, अगली बार से किसी का भी नाम कोई बोले तो याद रखना, सवाल बन के भी आ जाता है, मेरे पास भी आया था कई कई बार, ठीक है, टिप दे रही हूँ, ओके, thank you everyone for listening to the book review by Mini Ashwar, thank you a lot, bye bye.